बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसेंसिस है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, बायो एनर्जेटिक्स। लिमिटिंग फैक्टर्स वो सारे अनासिर हैं जो कि फोटोसेंसिस के अमल पे असर अंदाज हो सकते हैं, इसके रेट को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। एनी फैक्टर और एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई भी ऐसा माहौलियाती अंसर जुज एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ विच, जिसकी एब्सेंस और कमी, गैर मौजूदगी और कमी, कैन डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन और फोटोसेंसिस। यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन से मुराद हम कौन से वाले रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, फोटोसेंसिस। कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी एब्सेंस और जिसकी डेफिशिएंसी हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन के जो रेट है उसे कम कर सकती है, उसे हम क्या काउंट करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसेंसिस, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। देयर आर सर्टन लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसेंसिस, फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पहले नंबर पर दिया गया है लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। सो स्टूडेंट, लाइट की इंटेंसिटी जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसेंसिस भी है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इट्स मीन रेट ऑफ फोटोसेंसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लाइट, यानी कि जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी एक सर्टन पॉइंट तक, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसेंसिस क्या होगा, इन्हांस्ड होगा। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ फोटोसेंसिस भी क्या होगा, इन्हांस्ड होगा। यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो फोटोसेंसिस का रेट है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सो बोथ फैक्टर्स लाइट एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ फोटोसेंथसिस, बट टू अ सर्टन पॉइंट, एक खास हद, एक खास पॉइंट तक जाके ये क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा आप लाइट या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसेंथसिस बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। सेकेंड वन इज हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपको नज़र आ रही है फोटोसेंथसिस के, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसेंथसिस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोटोसेंथसिस का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। इस मीन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ फोटोसेंथसिस, बट टू अ सर्टन पॉइंट बियॉन्ड विच इफ वी इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाते चले जाएं, इट गो ऑन इंक्रीजिंग, इट विल काज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये क्या कर देगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। और क्लोजर ऑफ स्टोमेटा काज द ब्लॉकेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्लो आता है प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर, वो स्टोमेटा के थ्रू आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।